जी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर। 60% कंपोजिशन अगर देखी जाए ह्यूमन बॉडी की तो वो वाटर पर कंसिस्ट करती है। जितने भी केमिकल मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे हैं हमारी बॉडी में वो एक्वस मीडियम की मौजूदगी में होते हैं, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इंजाइम्स जितने हमारी बॉडी में रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं या स्पीड अप कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस को, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ही एक्टिव होते हैं। इसके अलावा फूड स्टफ क्या होता है, वाटर में जो सोलबल होता है वहाँ पर वाटर जो है वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करता है, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होती है। जबकि दूसरी तरफ जो है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल जो है वो भी वाटर की प्रेजेंस में होता है, जैसे कि यूरिन के थ्रू। एक और बहुत इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले कर रहा है वाटर यहाँ पे, वो है टेम्परेचर मेंटेनेंस। ये टेम्परेचर हमारी बॉडी का मेंटेन कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपोरेशन एज वेल एज स्वेटिंग, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन में। अगर पानी की शदीद कमी हो जाए तो उससे डिहाइड्रेशन हो जाती है, और डिहाइड्रेशन जो है वो आपको कार्डियो वैस्कुलर प्रॉब्लम की तरफ ले जाती है। कार्डियो वैस्कुलर प्रॉब्लम मीन्स रिलेटेड टू हार्ट प्रॉब्लम। डेली बेसिस पे हमें 2 लीटर पर जो है वो डे वाटर लेना चाहिए, इनटेक करना चाहिए। अगर हम सोर्सेज देखें वाटर के तो नेचुरल वाटर है, मिल्क है, जूसी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। आमतौर पे वाटर को जो है हमारी बॉडी में क्या किया जाता है, न्यूट्रिएंट्स कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन अगर देखा जाए तो ये हमारी बॉडी में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने भी लाइफ सस्टेनिंग जो हैं केमिकल्स वो वाटर की प्रेजेंस में हो रहे हैं। चाहे ये न्यूट्रिएंट्स नहीं कंसीडर किया जाता, लेकिन फिर भी ये हमारी बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है।